तो अभी बात स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, सिलेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में और बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए एंजाइम्स होते क्या है। देखिए इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। सॉरी तो इसी तरह से एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। एक तरह से हम इन्हें कह सकते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट बोले तो दो सब्सटेंस, दो केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी स्पीड को, लिविंग ऑर्गेनिजम से बाहर भी होती है मतलब बायो से रिलेटेड जो भी होती है रिएक्शंस, उनको फास्ट कौन कर सकता है, उनकी स्पीड को चेंज कौन कर सकता है, भाई एंजाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक्चुअल में ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं मोस्टली। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं एंड प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन प्रोड्यूस करते हैं इनको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने आप प्रोड्यूस होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। मैं बात करूं तो अभी तक अप्रोक्स 3000 एंजाइम्स हैं जो नोन है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, उन रिएक्शन को सही टाइम से वो होती रहे इसका जिम्मा किसको सौंपा गया है, एंजाइम्स को सौंपा गया। मैं एक सिंपल सी बात आता हूं कि अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो हमने एक गरई, मतलब एक गरई समझते ना, एक रोटी का टुकड़ा सब्जी के साथ लगा के खाया, एक बुगल बोलते हैं हरियाणी में से, एक बुगल खाई तो उसको हजम होने में 50 साल लग जाएंगे। अब आप सोच के देखो यार 50 साल कितना बड़ा टाइम है, ये मतलब एंजाइम्स की वजह से। और एक्चुअल में जो हम बीमार पड़ते हैं वो किस वजह से पड़ते हैं, देखो मोस्टली जो बीमारियां आती हैं वो ज्यादा गर्मी में आती हैं या ज्यादा सर्दी में आती हैं। ठीक है, मौसम जब चेंज होता है, एक्चुअल में हमारी बॉडी उस चेंज को अडोप्ट नहीं कर पाती। बॉडी क्या, हमारे एंजाइम्स, अभी हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स किस टेम्परेचर में अच्छे से काम करते हैं, किस पीएच में अच्छे से काम करते हैं, वो सभी बातें हमने देखनी है। तो बेटा जी ये होते हैं एंजाइम्स जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करते हैं। एक तरह से ये भी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो बाहर के रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं जो अंदर वाली स्पीड को चेंज करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं वो एंजाइम्स की वजह से आते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनसे मेरे को लगता है क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर का इस साल, कि जो दूध से दही बनती है, ठीक है, उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज लैक्टोबैसिली। बन सकते हैं क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए ये कुछ डाटा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कर्ड इंटू मिल्क, गलत लिख दिया, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, दूध से दही बन सकती है, दही से दूध अभी तक तो नहीं बनती, बाकी कहीं बनती है अलग बात है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, इसका जब हम डीकम्पोज करते हैं तो ये अमोनिया में डीकम्पोज होता है, ठीक है, एंड CO2 में, और वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ यूरिएज, इस एंजाइम का नाम होता है यूरिएज। अगली बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बाय इन्वर्टेज, ये है केन शुगर, इसमें वाटर ऐड की तो ये ब्रेक होता है, आपको पता होगा ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है, एंजाइम जो भी याद रखिए, इन्वर्टेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इंटू ग्लूकोज, माल्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11 होता है, जब इसमें माल्टेज डालते हैं तो हमें देखो, जब हम केन शुगर को ब्रेक करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक होती है, जब हम माल्टोज को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक होती है सिर्फ ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ माल्टेज। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो मैं भी बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं एंड बायोलॉजी हमें पढ़नी भी नहीं है, जितनी पढ़नी है उससे ज्यादा मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खास बात होती है एंजाइम्स की। सबसे पहली खास बात है हाई एफिशिएंसी, ये बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड को ये बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसा है कि यार मिनटों में करवा देते हैं अगर कोई रिएक्शन सालों में होने वाली हो। अभी मैंने जस्ट आपको एक डाटा ही दिया। ठीक है, अगली बात करें हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शन है, उन अलग अलग रिएक्शन के लिए बिल्कुल अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। कैटलिस्ट तो फिर भी एक आधा केस आपको मिल जाएगा कि एक कैटलिस्ट दो रिएक्शन में यूज हो गया, बट एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, कैटलिस्ट से भी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी यूज्ड। आज मैंने आपको डाटा दिया था कैटलिस्ट का कि
कैटलिस्ट कितना चाहिए कि अगर आपके पास 10^5 लीटर रिएक्टेंट है तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम कैटलिस्ट से काम चल जाएगा। और इसमें होता है कि अगर आपके पास 10^6 लीटर रिएक्टेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ कितना चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या रहता है यार, हम बहुत गर्मी में नहीं काम कर सकते, हम बहुत सर्दी में भी काम नहीं कर सकते, वैसे तो बात हर जगह अप्लाई होती है, बट फिर भी मशीनें कर जाते हैं, बट हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में जो काम करवाते हैं वो एंजाइम्स करवाते हैं, तो एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। और अगर मैं उसको डाटा को सेल्सियस में लिखूं तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बन सकता है इस साल कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और अगर आप कैलविन में आप लोग इसको लिखी लोगे 298 केल्विन टू 310 केल्विन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम समझते ना उचित, कि हाँ भाई इस पे अच्छे से फंक्शन करेगा, और वो ऑप्टिमम पीएच कितना होता है भाई, 5 to 7 के बीच में, ठीक है। अगली बात करते हैं कि कई बार क्या हो जाता है, एंजाइम ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं, ज्यादा फास्ट उसको काम नहीं करने देते। अगली बात करें इंक्रीजिंग एक्टिविटी बाय कोएंजाइम्स। अच्छा, तो अगर आप बता दो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर, इसी तरह से एंजाइम की स्पीड को जो बढ़ाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। ये जनरली मेटल्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़ती हैं और उनकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन, पॉइजन वर्ड आपको याद होगा, ये क्या होते हैं, जो उनकी स्पीड को घटाते हैं, उनकी स्पीड को कम कर देते हैं भाई, ठीक है। बस यही है, मतलब कई इनहिबिटर्स तो ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल बुरी तरह से खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। अभी देखो हमने होमोजीनियस हेटरोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म पढ़ा था, अभी देखते हैं मैकेनिज्म किसका, मैकेनिज्म एंजाइम्स का। मैकेनिज्म जो है इनका वो लोक एंड की मेथड जैसा है, मैंने बताया था एग्जांपल आपको, एक है लोक, ये आपको लोक दिखाई दे रहा होगा, बंद ताला, ये सबस्ट्रेट है, या फिर आप इसे कह सकते हो रिएक्टेंट बोल सकते हो आप इसे, आपने इसमें की डालनी है, की किसका काम कर रही है, एंजाइम का। तो क्या होगा कि इसमें डल गई, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, फिर आप इसे घुमाओगे, ये लोक क्या हो गया, अनलोक हो गया, तो ये क्या बन चुका है, प्रोडक्ट, और ये की क्या बन गई, यहां पे एंजाइम बन गई, समझ रहे हो। अब जैसे कि मैंने बोला था कि कैटलिस्ट पे ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से एंजाइम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे है। अब ये मत कह देना सर देखो ये आपने थोड़ा अंदर कर दिया, ये ह्यूमन एरर है, इंसान गलतियों का पुतला है, छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया करो और समझ जाया करो, सर समझाना क्या करते हैं। लोक एंड की मेथड पे डिपेंड है, ये लोक लोक रिएक्टेंट है, अनलोक लोक प्रोडक्ट है, और की यहां पे एंजाइम का काम कर रही है, क्लियर होती है। अब बात करें, ये तो चलो हमारी बॉडी की बात बता दी मैंने, बाहर भी ये बहुत हेल्प करते हैं, लाइक बेकरी में ये जो केक पेस्ट्री, ये जो वो डबल रोटियां होती है ना, वो समझते हो ना डबल रोटी क्या होती है, इस तरह से अब ब्रेड होते हैं, वो यीस्ट की हेल्प से बनते हैं, यीस्ट भी एक एंजाइम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरा, इनको कहां पे यूज किया जाता है, इन प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस, ये दारू वगैरह जब बनाई जाती है तो क्या किया जाता है, अनाज को सड़ाया जाता है बहुत बुरी तरह से, है ना, बहुत बुरी तरह से हम अन्न को सड़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, सड़ता रहता फिर उसमें नशा आ जाता है, और तभी वो क्या बन जाती है, दारू। और यहां पे भी रोल किसका है, एंजाइम्स का है। तो एंजाइम्स का इतना सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, और इतना ही आपको पढ़ना है अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, वो कैटलिस्ट का था, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स की एंड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं, जियोलाइट किसे कहते हैं, दीज आर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं ना उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलाइट बोलते हैं। कि एग्जांपल की बात करूं तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट एक एग्जांपल है जियोलाइट का। अब क्या होता है कि जियोलाइट में क्या खास बात होती है, कि जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, जैसे मकड़ियों का छत्ता होता है,
वैसे वैसे इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। इट इज माइक्रोपोरस सॉलिड हैविंग कैविटीज ऑन दी सरफेस लाइक हनीकॉम्ब, बहुत हल्के हल्के से होल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि यार क्या फंडा रहता है, कैटलिस्ट जो काम करते हैं, सॉलिड सरफेस होता है उसके सरफेस पे जाके रिएक्टेंट चिपकते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म बताया, वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो यही फंडा होता है इसका। जो जियोलाइट्स होते हैं इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इनमें जाके रिएक्टेंट फंस जाता है, और रिएक्टेंट वही फंसेगा जिसकी शेप मिलती जुलती है उन पोर्स से, क्लियर। जियोलाइट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, अब देखो ना शेप वर्ड आ रहा है, मतलब जिनकी स्पीड डिपेंड करती है उनकी शेप पे, या जिनकी स्पीड किसकी वजह से है, शेप की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने एक गिलास ले लिया, वो रिएक्टेंट है, हमने मीठा पानी बनाना है, एक में हमने मिश्री डाल दी, एक में हमने चीनी डाल दी और एक में हमने बूरा डाल दिया, ठीक है, एक एक चम्मच डाल दिया। अब मैं बोलूं मिक्स करना है, तो देखो मिक्स करेंगे मीठा पानी बनेगा, प्रोडक्ट हमारा फिक्स है। अब ये बताओ क्या सभी एक ही स्पीड में मिक्स होंगे, ऐसा तो नहीं है, एक बहुत फास्टली मिक्स होगा और एक बहुत स्लोली मिक्स होगा। ये कैसे पता लग रहा है, ये आप शेप की वजह से पता लगा पा रहे हो कि भैया उसकी शेप खराब है तो वो लेट मिक्स होगा, यही फंडा होता है इसका, ठीक है। एज द कैटलिटिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ पोर्स, सो दीज आर कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ओके। अब बात ये आ जाती है कि इनका यूज कहां पे किया जाता है, तो जैसे आपके मिथेनॉल पास मिथेनॉल है, उसमें आप एक जियोलाइट यूज करो, जिसको मैं बोल रहा हूँ ZSM5, जो थंबनेल था, थंबनेल पे आपको फोटो दिखाई दे रही थी वो ZSM5 की थी, और वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन, गैसोलीन समझते हो ना, ये ईंधन फ्यूल बनाने में, प्लस में वाटर भी बन जाता है। ZSM5 की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या होती है, जियोलाइट शेप ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ठीक है, और किस लिए यूज किया जाता है, मिथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। तो ये था सारे का सारा कैटलिस्ट का टॉपिक एंड एंजाइम का टॉपिक, सब कुछ क्लियर होगा, अच्छे से देखो, फिर इनके प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं।